मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों मैं बस थोड़ा सा लेट हो गया हूँ निकलने में। मेरे को बेसिकली 5 बजे यहाँ से निकलना था, लेकिन अब 4:30 में उठे, तो बस मैं अभी नहा धो के आया हूँ फ्रेश होके, और बस मैं रेडी हो रहा हूँ। तो मैं अभी थोड़ा सा जल्दबाजी में आपसे बात नहीं कर पा रहा, तो बस मैं आपको निकलता हूँ एक बार ही, और फिर रास्ते में बात करते हैं। रास्ता लंबा ही है, और आपको रास्ते में बताता हूँ आपको कहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं बस रेडी हो गया हूँ, और अब निकल रहा हूँ मैं यहाँ से गाड़ी की तरफ, गाड़ी में सामान रखने के लिए। कुछ पैकिंग मेरी इस तरीके से हो पाई है, बस कुछ भूल ना जाऊँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ जरूर भूल जाऊँगा मैं। चलो देखते हैं। तो दोस्तों बस गाड़ी से पहुँच गया हूँ, सामान सारा मैंने रख लिया है, और निकल रहे हैं यहाँ से। हो गई अब सफ़र की शुरुआत। बस अभी दो भाइयों को पिक करना है मुझे, मैं वहीं जा रहा हूँ अभी। और देख सकते हो आप, अभी कोहरा है, आप हो गया अभी बेसिकली है, तो बस तो पौने 6 रहे हैं। आज है 17 नवंबर 2023। ओ ये प्रभात फेरी जा रही है सुबह सुबह, भाई रात भाई। तो मैं पहुंच गया हूँ, एक दोस्त को यहाँ से पिक करना है, और एक दोस्त थोड़ा सा आगे वेट कर रहा है। बस मैं इनको पिक कर लूँ, और फिर हम निकलते हैं। ये पता नहीं आए कि नहीं आए यहाँ पर। आप 6 बजने वाले हैं, सिर्फ 2 मिनट हैं। अभी हम जाएंगे यहाँ से, पहले टैंक फुल कराएंगे दोस्तों। ये दोस्तों मैंने कुछ लाइट्स लगवाई थी जो मुझे बड़ी पसंद आई, बताना ये कैसी है। तो दोस्तों ये आ गया मेरा एक दोस्त, आ गया, पहुंच गया है। अभी एक और पिक करना है अभी, तो वो बेचारा बाहर वेट कर रहा है। सीट बेल्ट लगा लेते हैं। तो दोस्तों बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, डे वाइज आपके साथ शेयर करूंगा वीडियो सारी। तो दोस्तों मेरे चैनल बनाने का ना मेन रीजन यही है कि मैं आप लोगों के साथ जितना भी अपना एक्सपीरियंस ट्रैवल एक्सपीरियंस होगा, जहाँ पे होटल का, रहने का, खाने का, वहाँ की जगह का, रस्तों का, सारी जगह का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और शेयर करने के साथ साथ उससे क्या होगा कि बेसिकली देखो, आप लोग हो सकता है वहीं सेम जगह पर जा रहे हो, सेम जगह पर रहने का प्लान कर रहे हो, तो आपको पहले से ही पता लग जाएगा ठीक है क्या बुरा है, मतलब जो भी चीज़ है सब आपको पहले से पता लग जाएगा, तो आपको ईजी हो जाएगा डिसीजन लेना। तो दोस्तों बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ बने रहना। ओ चलो भाई, जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता दी, जय माता दी। चलो हालांकि हम बहुत लेट है, देख रोशनी हो गई यार, मैंने लगा था अंधेरे में निकल जाएंगे। वो तो हमारी हेडलाइट की रोशनी है। अरे लगवाई इसलिए दी है। चलो चलो दोस्तों जल्दी से पहले उसको देखे जो हमारा वेट कर रहा है, काफी देर हो गई से खड़ा रहा, तो गालियां दे रहा होगा, लिटरली गालियां दे रहा होगा वो। अभी आपको उसका मैं चेहरा दिखाता हूँ बस पहुंच के। दोस्तों तीसरा दोस्त भी हमारा आ गया है, और इसकी शक्ल जरा दिखाओ, लाइट जला जरा। तो दोस्तों वैसा हम निकल गए, हम कहाँ जा रहे हैं? मुंशियारी। ये पीछे बैठा रही है, ये इसकी वजह से हो सकता है मुंशियारी ना पहुंचे, वरना हमारा प्लान मुंशियारी तक था। अभी है वैसे, सही बता रहा, बने रहना इस चैनल के साथ, इस वीडियो के साथ, हो सकता है मुंशियारी तक पहुंच जाए। हालांकि बीच में जितने स्पॉट्स है हमारे कवर करेंगे, जैसे कि कैंची धाम, कसार देवी, जागेश्वर, भिंसर, सब फॉलो करेंगे, सब आपको फॉलो करते रहो। पताल भुवनेश्वर, ये भूल गया था दोस्तों, ये भाई अपने हैं, भाई होते किस लिए, याद दिला देंगे। काल का मंदिर एक बार मत्था टेकेंगे, बिल्कुल मत्था टेक के शुरू करेंगे, इजाजत लेके फिर जाएंगे बिल्कुल वहां से। चलो दोस्तों अब रास्ते का मजा लेते हैं। ये है कालका जी मंदिर की एंट्री, जहाँ से इजाजत लेते हुए माता रानी आशीर्वाद रखना, सब कुशल मंगल रखना हमारा। बस अभी यहाँ पे हमारा टैंक फुल हो रहा है। जमुना जी आ गई है ये, और यहाँ भाई ने कुछ विसर्जन करना है, तो हम 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। दोस्तों ये देखो प्लेस ट्रैवलिंग का, रास्ता कवर कर लिया है, हापुड़ तक नहीं, अभी हापुड़ आएगा। ये सामने लिखा है मेरे 48 किलोमीटर। ये देखो भाइयों, निकली है एक से एक बढ़कर, अभी लाइन से निकलेंगे। तो देखो हाल रिलेशन से
हापुड़ का पहला टोल आ गया है। आगे बढ़ो ये बड़ी फास्ट हो गया। चलो फास्टैग का सुख तो है। ये देखो भाइयों, एक तो ये सो गया, देख रहे हो डायलॉग मारते सोने आए हो क्या? और भाई हम दोनों अभी बैठे हैं और अभी हम हैं तीसरे टोल पे। तो वैसे कोसी नदी क्रॉस करके रामपुर के लिए हमने लेफ्ट ले लिया है और अभी इस बीच में करीब करीब हमने 130 किलोमीटर के बाद सोचा था कि हम रुक के कहीं पे खा लेंगे और इस वक्त 195 किलोमीटर हो गया यहाँ से लेफ्ट। 195 किलोमीटर हो गया और एक ढाबा नहीं आया बीच में। ये रामपुर होते हुए नैनीताल जाएंगे। ये रास्ता अच्छा है थोड़ा बस। हाँ तो दोस्तों मैं ये बता रहा था, कुछ खाने का अभी तक नहीं आया है। 130 किलोमीटर से हम चल रहे हैं और अभी 200 किलोमीटर होने वाले हैं और एक भी बीच में खाने का कोई भी रेस्टोरेंट ढाबा कुछ नहीं आया है। एक भाई तो सो ही गया हमारा, वो तो चाय ढूंढते ढूंढते सो गया। दोस्तों अब ये बहुत देर बाद हमें मिला यहाँ पे 200 किलोमीटर पहुँचने के बाद जिसकी हवेली करके ये रेस्टोरेंट, और इसका जो खाना है वो एक्चुअली में बहुत अच्छा लगा हमें खा के। और यहाँ आप ट्राई कर सकते हो, ये बेसिकली रामपुर के रास्ते में जाते हुए भीम करौली बाबा की तरफ जाते हुए ये पड़ता है बीच में, तो आप कभी अगर इस तरफ आ रहे हो तो ट्राई ज़रूर कर सकते हो आप। तो दोस्तों मैंने अभी ज़्यादा तो नहीं भीम करौली बाबा के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, तो उनकी छोटी छोटी जो अद्भुत चीज़ें हैं उनको सुन के ही मतलब मुझे ऐसा मतलब फील हुआ कि यार हमें आना चाहिए और बहुत ही मान्यता है उसकी। तो दोस्तों पीछे बैठ के मतलब मजा आता है अगर दोस्तों के साथ आओ तो। और क्या चल रहा है भाई साहब, वीडियो चलाइए मैंने यार एकदम सेट करके भैया, ये मैंने सेटअप किया कल रात को एकदम बढ़िया था। वो तक शेर दिखा भाई साहब। दोस्तों बस यही है, अगर मैं अकेला या फैमिली के साथ आता हूँ तो मुझे खुद ड्राइव करनी पड़ती है, लेकिन ये दो ड्राइवर साथ में लेके आए हम और पीछे आज खुले होके बैठ के जा रहे हैं। इतने अमीर होंगे ना भाई साहब, दो ड्राइवर रख के चल रहे हैं हम साथ में और ये सब कृपा है भीम करौली बाबा की जो हमें बुलाया दो ड्राइवर के साथ। तो दोस्तों देखो यार, ये हम पहुंच गए हैं और पहाड़ों की बात ही कुछ अलग है, मतलब पहुंच जाओ एक बारी। बस दोस्तों पहुंचने ही वाले 5-6 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन जाम इतना लग गया है, यहाँ पे एक रोड बन रही है उसकी वजह से जाम है, देख सकते हो आप पूरा यहाँ पे पैक्ड है और आधा घंटा हो गया वो यहीं खड़े खड़े। 120 रुपए यहाँ कार पार्किंग है, कहीं पे भी किसी भी स्पॉट पे आप कार पार्क कर सकते हो। यहाँ पे ये हमने यहाँ गाड़ी पार्क कर दी है। तो दोस्तों ये हम पहुंच चुके हैं कैंची धाम। तो दोस्तों नीम करौली से हम निकल चुके हैं और अब हो गई है रात। सोचा था पहुंचेंगे कसार देवी और अभी यहाँ पे रात ज़्यादा है, पहाड़ पे थोड़ी रिस्क नहीं लेने के चक्कर में हमने सोचा यहीं रुक जाए। तो यहाँ पे बेसिकली अभी हुआ क्या कि यहाँ पे हमें रूम मिले नहीं,
और फिर हमने थोड़ी हिम्मत करके सोचा कि रात को थोड़ा सा बस 50 किलोमीटर और आगे जाके अल्मोड़ा पे रुकेंगे, जिससे हमारा कल का दिन बचेगा और हम कल कसार देवी पिंजर इंजॉय करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। और आप जरा हमारे ड्राइवर को देखो जो रात के नशे में झूम रहे हैं। एक बात बताना चाहूंगा, आज हमारे जो दर्शन हुए ना, मतलब हमने सोचा नहीं था हमारे इतने अच्छे दर्शन होंगे। पॉजिटिव एनर्जी बहुत अच्छी है यहाँ पे और आरती, मतलब लाइक ये तो बुलावा था, मतलब हम तो हमें नहीं पता था टाइमिंग का, लेकिन क्योंकि हम थोड़ा सा सर्च करके नहीं आए और आप लोग भी आए तो 7 बजे क्या है, 6 बजे छः बजे का आरती का टाइम है। आप 6 बजे तक यहाँ पे आओगे तो आपको आराम यहाँ की आएगी और यहाँ की आरती थोड़ी डिफरेंट होती है। यहाँ पे मंत्रों का उच्चारण नहीं होता है और यहाँ पे घंटी बजा के आरती होती है। तो बस अब हम चल रहे हैं दे रहे हैं यहाँ पे आपको दोस्तों क्या ही दिखेगा व्यू, तो मैं आपको क्या दिखाऊँ, बस आप देख सकते हो। तो अब इसको समाप्त करते हैं आज को, आज के इसको एंड करते हैं आज के ब्लॉग को और कल सुबह फिर मिलते हैं एकदम फ्रेश मॉर्निंग के साथ। ओके गुड नाइट, टेक केयर भैया, गुड नाइट बोलो, गुड नाइट ब्रो, ब्रो ब्रोज या सारे ब्रोज ब्रोज एंड सिस इसके ब्रोज एंड सिस देवियों सज्जनों भाइयों और बहनों चलो दोस्तों।